सरदन है, सब चीज करते हैं ऑफिस में वगैरह, फ्री में करेंगे। डॉक्टर किशन बहादुर धामी, धामी जी हमारे डॉक्टर साहब, ये हड्डियों के डॉक्टर हैं, जोड़ते हुए तोड़ते हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष हिमाल ऑफिशियल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ हरिद्वार, क्योंकि मेरे पेपर हैं बनारस में, तो मैं जाऊँगा। कल रात की मेरी ट्रेन है, तो कल रात की ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ बनारस। पर आज सुबह जैसे ही मैं सो के उठा तो वाह दोस्तों, मौसम इतना बढ़िया हो गया था, बिल्कुल बारिश हो रही थी ज़बरदस्त वाली। मैं बिल्कुल नाश्ता किया और तुरंत जो है बारिश में नहाने चले गया, और बारिश में नहाने के बाद अभी मैंने जस्ट बाल थोड़ा बहुत सुखाए हैं और कपड़े पहने हैं, और आप लोगों को बताने के लिए आ गया कि यहाँ बारिश हो रही है और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लगभग जो है बारिश जो है एक घंटा हो गया है बारिश के चलते। भले मैं आपको व्यू नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं अपनी चाची जी के घर पे हूँ और इसके आगे देखने लायक कुछ इतना ज़बरदस्त है नहीं, क्योंकि चारों तरफ घर ही घर हैं। आपको पता ही होगा प्लेन साइड में कैसा होता है, हमारे पहाड़ों की तरह नहीं होता है कि बढ़िया सा देखने के लिए नज़ारा। तो यहाँ तो सामने घर ही, इधर उधर घर ही घर हैं, है ना। बाकी जो है बहुत समय बाद जो है बारिश में आया हूँ, काफ़ी मज़ा आ गया दोस्तों। फिलहाल तो आज मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, किशन धामी जी से, जिनका आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था हरिद्वार में। तो शाम को मैं उनसे मिलने के लिए जाऊँगा, बाकी हो सकता हो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँ बारिश, आप भी आनंद ले लो, है ना। तो देखिए अभी बारिश और मज़े लो। पहले कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, जिनको बारिश में नहाना अच्छा लगता है, ज़रूर बताइएगा। बोलिएगा नहीं, मैं आपका कमेंट की बिल्कुल प्रतीक्षा करता रहूँगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। वैसे कमेंट्स तो ज़्यादा आते हैं ही नहीं, चार पांच तो आते ही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कमेंट्स करते हैं। आप भी करा करो दोस्तों, जो देखते हैं इतने सारे व्यू आते रहते हैं, कम से कम जो है 100-150-900 तक, 1000 व्यू तक आए जाते हैं किसी किसी वीडियो पे, ज़्यादातर व्यू 125 पे रुक जाते, सुपर तो जाते नहीं है। पर फिलहाल दोस्तों आप जितने लोग भी देखते हैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आप देख रहे हो। तो दोस्तों पहले तो बात आपको ये बता दूँ कि कमेंट तो आपने करना ही है। फिलहाल तो आपको दिखाता हूँ बारिश, दिखाता हूँ अभी, तो बारिश थोड़ी हल्की हो गई है पर जो है बहुत मज़ेदार है। सो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ देखने के लिए तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आगे पीछे घर ही घर हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं बारिश में, काफ़ी तो भी लोग नहा भी रहे थे जब मैं नहा रहा था यहाँ पे, तो इतना कुछ तो है नहीं। बाकी मिलते हैं शाम को, धामी जी से मिलेंगे तो आप भी देखिएगा। बाकी यही है आज का मौसम, और ऊपर देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं, घनघोर बादल, ये देख सकते हैं इधर उधर चारों तरफ जो है बादल ही बादल लगे हुए हैं। मौसम देखो कितना खतरनाक हो रहा है, जिस हिसाब से बारिश तो हुई नहीं है, थोड़ा बहुत ही हुई है पर मज़ा आ गया। बाकी बने रहो दोस्तों। हुआ कुछ ऐसे, मैं बारिश में नहाया और नहाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मैं मूवी देख लूँ, डाउनलोड करी हुई थी मैंने, साउथ की मूवी थी। और मूवी देखते देखते नींद पड़ गई मेरे को, और नींद भी इतनी ज़बरदस्त पड़ गई कि सीधा 2 बजे नींद खुली मेरी, 2 बजे नींद खुली। फिर उसके बाद खाना खाया, फिर आप लोगों के बीच में आया, तब तक बारिश भी बाहर बंद हो चुकी है। तो अब दिखाता हूँ आपको, थोड़ी देर में जो है 6 बजे के आसपास जो है धामी जी से मिलने के लिए जाएंगे, तब तक बाहर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। सो गाइस, मैं जा रहा था धामी जी के पास, तब तक जो है बारिश लग गई है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कितनी मोटी बारिश लग रही है, देख रहे होंगे आप कितनी मोटी मोटी बारिश लगी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि बारिश लगी है मोटी, अगर थोड़ा बारिश कम हो जाएगी उसके बाद ही जाऊँगा, वरना तो मुश्किल लग रहा है आज, फिर है ना कल की तो ट्रेन है, फिर कल नहीं फिर अगली बार ही मिलना हो पाएगा, वरना तो अभी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे बारिश बहुत मोटी लगी हुई, भाई वीडियो में दिख रही है हल्की हल्की पर काफ़ी मोटी बारिश लगी हुई है। तो दोस्तों अब क्या करें, देखते हैं फिर बारिश रुकने का थोड़ा वेट करते हैं फिर चलेंगे वरना। तो गाइस, जैसे मैं धामी जी के पास जाने के लिए जैसे रेडी हुआ, फिर बारिश और मोटी लगी,
और बारिश तो अभी बहुत ही ज़्यादा मोटी लग चुकी है, बहुत ही मोटी लगी बारिश इस समय। देख सकते हो आप अभी, आप कितनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही है। बहुत 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 मोटी बारिश शुरू हो गई है। अब तो मैं धामिन जी से कल ही मिल पाऊँगा शायद कुछ ही देर के लिए। आज तो लगभग मुश्किल लग रहा है मेरे को क्योंकि बारिश हो गई है ज़्यादा। तो फिर ब्लॉग यहीं पर समाप्त करने की सोच रहा हूँ क्योंकि धामिन जी से मिल पाना होगा नहीं और इस बारिश में कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। ये है कि बारिश फिर से बंद हो चुकी है और अब तो मैं लगभग चले जाता हूँ धामिन जी के पास क्योंकि बाद में फिर मेरे पे टाइम नहीं मिलेगा और टाइम नहीं मिलेगा तो फिर बारिश लग जाएगी, फिर उस वजह से मैं रुक नहीं जा पाऊँगा और उसके बाद जो है कुछ समय बाद ही मिलना हो पाएगा। इसलिए तो अभी अब मैं जा रहा हूँ धामिन जी के पास और आ गया हूँ मेन रोड पर। तो फिलहाल तो मेरे को ब्लॉग बंद करना पड़ेगा क्योंकि बारिश किसी समय भी बहुत तेज़ लग सकती है और बारिश तेज़ लगेगी तो उस वजह से जो है मैं समय रहते वहाँ पे पहुँच नहीं पाऊँगा। इस वजह से जो है मेरे को ब्लॉग यहीं पे रोकना पड़ेगा और धामिन जी से मुलाकात करते ही मैं ब्लॉग फिर ऑन कर लूँगा। बाकी तो फ़िलहाल आप बने रहो तब तक, अभी तो मुझे जाना है थोड़ा सा आगे लगभग 1 किलोमीटर। गाइस हम हरिद्वार में आए हैं और माँ गंगा जी के दर्शन ना करें तो ऐसे कतई नहीं हो सकता है। तो आप दर्शन करो माँ गंगा जी के, जो है ना चारों तरफ जो है पानी पानी हो रखा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और आप देख सकते हो सड़कें भी जो है पानी से भरी हुई हैं चारों तरफ और सामने माँ गंगा जी के दर्शन। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मेरे, तो इसमें माँ गंगा का जलस्तर बहुत कम था और अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें अभी पानी है। और ये देखो ये हैं जी हमारी सड़कें। जब फ़ोन किया तो उनका फ़ोन तो लग रहा है नहीं, तो इस वजह से जो है मैं फ़िलहाल उनके कमरे में चले जाता हूँ। उनका कमरा मेरे को पता है कहाँ पे है तो उनके कमरे में बैठ जाता हूँ। उन्होंने पहले बोला था कि आप कमरे में जाके बैठ जाना, हम आ रहे हैं। तो फ़िलहाल तो हम चले जाते हैं उनके रूम पर और थोड़ा सा रह गए, यहाँ से एक मंदिर आने वाला है तो उस मंदिर के सामने ही उनका जो है कमरा है मंदिर से आगे चलते हुए ही। तो फ़िलहाल तो कितनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, बारिश में भी आप लोगों के सामने ब्लॉग आ रहा है और आगे भी आते ही रहेंगे इसी प्रकार से जैसे जैसे मैं उत्तराखंड में आता रहूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मैं तो आ गया हूँ इनके रूम पर, अभी आए नहीं शायद आ चुके हैं। अरे भाई जी ओ आओ आओ स्वागत है। अरे ये शर्मा रहे हैं भाई, ओहो आओ धामी जी आओ बाहर तो अंदर रखो, आप देखोगे नहीं ब्लॉग में। ओह हमारे डॉक्टर साहब आ गए, वाह जी वाह वाह जी। और ये हमारे धामी जी आ गए हैं पूरे अपने ड्रेस में। ओ हरे ओम भाई जी। और दोस्तों कैसे हो, भाई का चैनल है सब्सक्राइब करो लाइक करो। पिछले उसमें भी लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, ट्रीटमेंट से आ सकते हैं हम सर्दन बिल्कुल है। सर्दन है, सब चीज करते हैं फ्री में करेंगे। डॉक्टर किशन बहादुर धामी, धामी जी हमारे डॉक्टर है, ये हड्डियों के डॉक्टर है, जोड़ते हुए तोड़ते हुए दोनों चीज करते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैंने एक बार आना मना कर दिया था, मैंने ब्लॉग में बता दिया कि मैं नहीं आने वाला हूँ। फिर जो है आगे फिर वो बारिश थक गई, बारिश सुहाना हो गया, बस बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, फिर रुक गई बारिश, उसकी वजह से फिर मेरा आना हो गया। चलो अब चले जाते हैं, बारिश कम थी, अब तो बारिश बिल्कुल रुक चुकी है। तो फिर मैं तो गए, पहले तो बहुत खुशी हो रही है दोबारा मिल रहे हैं और दोबारा नहीं बार बार मिलते रहेंगे, जब तक जीवन है तब तक मित्रता है भाई, है कि नहीं। और देखो ये लाए हैं, क्या लाए हैं भाई साहब? हाँ भाई, अरे इसकी मैं बोलो आपकी आवाज़ जो है पूरी साफ नहीं आ रही होगी भाई साहब। ये हम छोटा सा एक भाई साहब के लिए, हमारा जिसे बंद बोलते हैं गढ़वाली में, तो सकल तो देखा सर। अभी आए हम कॉफी बनाए भाई के लिए, तो हमारे मेहमान साहब आए, अभी बारिश थकी थी तो मेहमान कहाँ यार, हम तो घर हमारे मित्रता बन चुकी है, बड़े ही दिनों बाद हमारे पास आए हैं, रिश्तों का जो मिलन हो चुका है एक दूसरे का प्यार प्रेम बिल्कुल। और ये हमारी कॉफी किताब को बैग में रख दी हमने फिलहाल, कुछ छो नहीं अलग खोता ना यार तुम। चलो दोस्तों पहले हम चाय पानी पी लेते हैं उसके बाद फिर बनाएंगे भाई, कोई दोस्त नहीं।
सुमन जी भी आ चुके हैं और ये हमारे सुमन जी हैं और इनके साथ इनके मित्र भर आ रहे हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? नाम हेलो गाइस, नाम क्या है? भाई का चैनल, माय नेम इज कन्हैया बोगुना। ये कन्हैया बोगुना है, ये उत्तरकाशी से, सारे उत्तरकाशी से, रुद्रप्रयाग से। तो भाई साहब सारे उत्तरकाशी हैं पर मैं बैठा हूँ यहाँ रुद्रप्रयाग से। तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आप रात चौकनी करते रहो। अच्छा करते रहो। ये नेपाल से हैं, काठमांडू से। तो गाइस अभी मैं और सुमित जी जा रहे हैं बाहर सब्जी लेने के लिए और हमारे मित्र पर भी चले गए हैं आगे सब्जी लेने के लिए और हम जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने जा रहे हैं और कुछ छोटी सी पार्टी हमारे तरफ से, मतलब क्या है कि अपना खान पीन, तुम्हें पता है कि पनीर ला रहे हैं हम, आज पनीर बना रहे हैं भाई लोग जी की तरफ से। और हमारे भाई आए बड़ी मुश्किल से और उसी के लिए पनीर के लिए, वो पनीर के लिए पनीर ये फंस गया लेंगे हैं और हम जरा सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं बाहर। उसका मसाला लेने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मसाला लेने जा रहे हैं, सब्जी का मसाला लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि यहाँ जो है पूरा रास्ते में पानी पानी हो रखा है ना, जिससे जो है चलने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर जो है फिलहाल तो बने रहो, अभी लाएंगे सामान, देखते हैं क्या लाते हैं, है ना। अगर मौका मिलेगा तो वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे, वरना तो पानी में मुश्किल लग रहा है क्योंकि पानी में काफी दिक्कत आ रही है, हमारे ऊपर कितने छींटे गिर रहे हैं। इस वजह से वापस आते हैं सीधा, वापस आके बनाएंगे ब्लॉग। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। हम यहाँ से हमने सब्जी तो ले ली है, खीरे भी पैक करा ले हैं, टमाटर भी पैक करा ले हैं और बस इसके बाद अब जाते हैं कमरे में। और ये आसपास का सुंदर सा व्यू कुछ इस प्रकार से। तो अब चलते हैं रूम पे। हम आ चुके हैं सब्जी लेके वापस, अब जा रहे हैं दोबारा रूम पे। टमाटर और प्याज और मिर्च लेके आ चुके हैं। और ऐसा दोस्तों मजे लो, हमारे भाई साहब आ रखे हैं और उसी खुशी में जो है भाई लोग पार्टी करा रहे हैं। आज पनीर बन रहा है, बर्थडे की पार्टी दे रहे हैं भाई। अच्छा इन्होंने, हाँ इनका बर्थडे था तो उस कारण जो है मैं समय आ नहीं पाया, तो अब ये पार्टी करा रहे हैं जिसमें आज बन रहा है पनीर। वाजी वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जब पनीर बनाएंगे फिर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बोलेंगे दिखाएंगे आपको, खिलाएंगे जरूर, खिलाएंगे भी। आप खा लेना वो प्रिंट आउट करके। और ये हो सकता है तो देखो, सबसे बड़े मजा आता है बारिश के मौसम में और अपने दोस्तों के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सेवा जी पंडित जी हैं। अरे एक तो इस माइक का ना ये फिल्टर खो गया, उसको ढूंढना पड़ेगा अंधेरे में, पर ढूंढना तो पड़ेगा भाई, वरना तो जो है दिक्कत आ जाएगी। ठीक है भाई जी, तो फिर बने रहो, विराम देते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मिर्च ले गया हवा। तो अब काट रहे हम यहाँ पे खीरा और भाई जी अभी थोड़ा सफाई कर रहे हैं, उनको तो मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उन्होंने मना किया है। पहले बात होगी माइक का ऊपर की टोपी होगी ना खो गई हो, हट यही प्रॉब्लम होगी, टोपी खो गई है। और टोपी को छोड़ो, खीरे कैसे काटते हैं मेरे फंड। गाइस अभी जो है मैंने और सुमित भाई जी ने सफाई करी कमरे की, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लग रहा है। अभी थोड़ी देर में पार्टी होगी, मतलब पनीर खाई, हाँ पनीर खाई जाएगी क्योंकि भाई जी का बर्थडे था तो उस समय था नहीं, तो उस खुशी में जो है पनीर बना रहे हैं। और इसका तो टोपी तो खो गई, इसका बहुत बड़ा दुख हो रहा है मेरे को, जितनी बार इसको देख रहा हूँ ना तो रोना आ रहा है मेरे को। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ब्लॉक आया बड़ा बन जाएगा, आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। कम से कम 10 मिनट से ऊपर तो जाएगा नहीं है, 10 से 13 मिनट से ऊपर तो जाएगा नहीं, ये भी गारंटी है, 15 मिनट से ऊपर तो नहीं जाएगा, लगभग 15 मिनट तक तो रहेगा ही। बाकी आ रहे हैं बस। तो ठीक है, पिछले वाली वीडियो नहीं देखी आपने तो जिसमें धामी जी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, उसको जरूर देखना आप, डांस देखो वाजवा मजा आ गया था, उनको सर्ट भी नहीं मिली थी वाजवा, ढूंढ ढूंढते परेशान हो गए। हम गढ़वाल हैं दोनों भाई, दोनों में गढ़वाल से नाम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लाइक कर कमेंट कर। तो दोस्तों अभी रात की लगभग 10:30 बज चुके हैं और जो है लाइट चली गई है। अभी भाई जी हम पनीर बनाए रहे थे तो लाइट चली गई, तो मैं ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और लाइट भी चली गई है, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं उतना, बाहर बहुत ज़ोरों से बरसा हो रही है, इस वजह से जो है ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। हमारे किशन भाई जी भी यहीं पे हैं। हाँ सर, हमारे संतोष सर बहुत सही कह रहे हैं, मतलब बाहर आज मौसम बड़ा ही गंभीर है और बादल गरज रहे हैं और बारिश की बूंदें बरस रही है जिस कारण और लाइट ब्लॉग जो है यहीं पे समाप्त करना पड़े। तो तब मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक प्रतीक्षा करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।